पाकिस्तान से आई, हिंदुस्तान में आई सीमा की, और वहीं हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू की। ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूं, ये एक तरफ सीमा की चर्चा है, पिछले कई हफ्तों से हिंदुस्तान में चल रही है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई अब अपने देश नहीं जाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आप अंजू को देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई है और अब वहां पर उसकी शादी की भी चर्चाएं हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में अंजू के साथ सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है? वहां पर अंजू को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी आवाम में क्या चर्चा है, और क्या वहां पर अंजू के साथ भी वही बर्ताव होगा जैसा सीमा के साथ हिंदुस्तान में है? सवाल ये पूछ रही हूं आपको। सबसे पहले बताती हूं कि अंजू कौन है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है। ये तस्वीर अब अंजू की पाकिस्तान से आई है, जिस नसरुल्ला को मिलने अंजू पाकिस्तान गई उसके साथ ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो जारी किया गया है। एमपी के ग्वालियर में बचपन गुजारा है अंजू ने, और यूपी के जालौन के लड़के से उसने शादी की है। राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी अंजू, और आपको बताया कि शादीशुदा अंजू दो बच्चों की मां है, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर फेसबुक पर नसरुल्ला से दोस्ती हुई और इसीलिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, हालांकि वीजा लेकर पाकिस्तान गई। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर धीरे धीरे प्यार में दोस्त बदल गई दोस्ती उनकी, और पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अंजू ने अप्लाई किया, जिसके बाद जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकली लेकिन पाकिस्तान पहुंच गई। अपने ऑफिस में भी एक बोलकर छुट्टी ली कि वो गोवा जा रही है, और उसके बाद पाकिस्तान चली गई। पति को नहीं दी थी पाकिस्तान जाने की खबर, वाघा बॉर्डर के जरिए सरहद पार की, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जो दो लोगों को देख रहे हैं, नसरुल्ला और अंजू, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, और ये तस्वीर अब सामने आती है, बच्चों को छोड़कर नसरुल्ला के पास पहुंच गई है अंजू। तो ये तस्वीर आपको अंजू की पाकिस्तान से दिख रही है। यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस भी आ रही हूँ मैं। टिकटपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब हो। मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं बच्चे फैसला करूँ, इंडिया में आ जाए, अपना बच्चे कह रहे हैं वो अलग है, ये धोखा ही है, जो भी ना बताई चली गई। तो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा तो वो, उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो वहीं की वहीं रहे, हमें जरूरत नहीं। आपको ये भी बताती हूँ, ये तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, लेकिन सीमा और अंजू एक जैसी कैसे हैं? दोनों पहले से ही शादीशुदा थी, अब अपने से छोटे लड़कों से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, और उसके बाद सीमा पार कर गई। अंजू जो कि 35 साल की हैं, नसरुल्ला 29 साल का है, उससे मिलने पाकिस्तान गई है। सीमा की उम्र 27 साल थी, सचिन 23 साल का है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अपना बसाया हुआ परिवार घर छोड़कर ये दोनों सरहद पार गई हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती, उसके बाद प्यार हुआ है, पति को बिना बताए सरहद पार हुई, और ये तस्वीरें फिर जो सामने आई हैं ये भी आपको बता रहे हैं। ये दोनों की समानताएं हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको बताती हूं। दोनों में फर्क क्या है, सीमा और अंजू दोनों में फर्क क्या है ये आपको दिखा देती हूं। जरा हम महेश अगला ग्राफिक चलाएंगे। ये किस तरह से दोनों, एक हिंदुस्तान से गई, एक पाकिस्तान से आई, दोनों को लेकर दोनों देशों में चर्चाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कैसे दोनों ही अपने अपने मुल्क में उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उन्हें लेकर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, दोनों की ही अलग अलग किस तरह से तस्वीर है ये आपको बताती हूं। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए, हिंदुस्तान में सीमा जो है वो सहूलियत से रह रही है, लेकिन पाकिस्तान में अंजू वो सुरक्षा बलों के घेरे में बंद नजर आ रही है। तस्वीर आज अंजू की आई है, जब वो कोर्ट गई, सुरक्षा की मांग की है अपने दोस्त नसरुल्ला के साथ, वहां से खबर ये आई है कि दोनों ने शादी कर ली है। इसको लेकर पुष्ट खबरों का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अंजू इस पर नहीं बोली है। लेकिन इधर देखिए, घर पर पुलिस सुरक्षा मौजूद रही सीमा के, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीडिया से बात कर रही थी, लेकिन यहां अंजू मीडिया से बात नहीं कर रही है, मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है अंजू, क्योंकि उसका मीडिया में कोई बयान नहीं आया है। यहां सीमा लगातार मीडिया से बात कर रही थी, रिपब्लिक भारत से उसने कई बार बात की है। परिवार वालों ने सीमा को अपना लिया, लेकिन वहां पर झूठ बोलकर रहना पड़ रहा है, ये कहा कि तलाक हुआ है, फिर वो वहां पर गई। और अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये देखिए, गाड़ी में बुर्का पहनाकर अंदर ले जाया जा रहा है, सुरक्षा घेरे में है, वहां सुरक्षा की मांग भी की गई है। पुलिस वाले इस तस्वीर में आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं साथ में। यहां तो परिवार वालों ने अपना लिया है, लेकिन वहां पर क्या होगा इसका हम इंतजार कर रहे हैं, वहां तस्वीर देखेंगे। और अंजू का बयान क्या आता है ये भी आपको बताएंगे। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं अंजू की, जो जारी की है उसने सोशल मीडिया पर, जहां नसरुल्ला के साथ वो नजर आ रही है। वो तस्वीर जरा, वीडियो देखिए जरा, इसका ऑडियो चला दीजिए। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराई
बता दूं कि अंजू की तरफ से और नसरुल्ला की तरफ से सोशल मीडिया पर आई है ये वीडियो। बकायदा पाकिस्तान में बनाया है अंजू और नसरुल्ला ने, वहां पर उसके जाने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अंजू और सीमा में समानताएं, सवालों को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें फिर से सीमा और अंजू की दिखाती हूँ। एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है, दोनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये आपको बताऊं कि अंजू क्या कहकर गई थी। अंजू ने कहा कि वो सहेली से मिलने जा रही है। अंजू ने कहा कि वो ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान की नागरिक है सीमा, भारत की नागरिक है अंजू। इन दोनों की तस्वीर आपको दिखा, अवैध रूप से भारत आई सीमा, वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंची है अंजू। अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है सीमा, लेकिन इस तरफ जल्द भारत लौटने का दावा अभी भी अंजू कर रही है। मैं फिर कह रही हूं उसका कोई बयान नहीं आया, उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेमी से शादी करने का दावा सीमा ने कहा कि प्रेम हो गया शादी की। यही दूसरी तरफ कैसे अंजू कह रही है कि दोस्त से मिलकर शादी की कोई चर्चाएं नहीं थी, लेकिन आज वो चर्चाएं बढ़ गई जब कहा गया कि शादी हो गई है। मैं उस पूरे मामले को लेकर अभी औपचारिक बयान नहीं आया। चार बच्चों के साथ भारत पहुंची थी सीमा, वहीं बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई है। अब बयान कैसे अलग हैं? सीमा अंजू ने क्या कहकर पाकिस्तान का दौरा किया है, परिवार को क्या बताया है, वो भी आपको बता देती हूँ। लेकिन एक बार वो वीडियो दिखाती हूँ जब वो यहां से निकली, वाघा बॉर्डर गई और वाघा पार करके गई, उसने एक वीडियो जारी किया था, वो जरा सुनाती हूँ आप। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। अब मैं आपको एक और बार ये भी बताना चाहती हूँ कि अंजू क्या कहकर गई थी और क्या हुआ है। महेश, अगर हम वो जरा बता पाए कैसे अंजू ने झूठ बोला, और अंजू ने भी बहुत सी बातें ऐसी कही जिन पर विश्वास नहीं किया गया, लेकिन अंजू ने अपने परिवार से कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन वो नसरुल्ला से मिलने जा रही थी, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। अंजू ने कैसे अपने दफ्तर में भी ये कहा, गोवा जा रही है उसके लिए उसने छुट्टी मांगी, लेकिन यहां पर वो कैसे शादी के लिए चली गई, सहेली से मिलने की बात कहकर गई है। ये अंजू की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नसरुल्ला के घर पहुंच गई, ये आपको बता रही हूं। गोवा का बोलकर छुट्टी ली, वाघा बॉर्डर तक पाकिस्तान गई, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ पति से कहा मैं लाहौर में हूं, क्योंकि मीडिया में खबर आ गई तो पति ने फोन किया अंजू को, उसने कहा मैं लाहौर पहुंच गई हूं दोस्त के साथ। वहीं खैबर पख्तूनवा में उस वक्त वो मौजूद थी। अब अंजू के लिए कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ ये कहा मैं मिलने जा रही हूं, लेकिन आज खबर ये आई कि उसने वहां जाकर शादी कर ली है। और फिर वीडियो भी आ गया कि कैसे सिक्योरिटी के बीच में खड़ी हुई है अंजू, और बुर्का पहनकर अंजू नजर आई और सिक्योरिटी वर्कर्स के साथ वो नजर आई। यानी अब अंजू पर क्या किसी तरह का कोई खतरा है, सवाल ये भी उठ रहा है। मैं एक बार जरा फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो अंजू की सामने आई है। अंजू वहां पर क्या शादी कर चुकी है, और क्या अंजू अब पाकिस्तान में रहेगी, अंजू का क्या हो सकता है, ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि अंजू क्या पाकिस्तान में रहेगी, क्या उसे वहां की नागरिकता मिल सकती है, जरा ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्योंकि अंजू अब पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला की अगर बीवी बन गई है तो क्या वहां पर उसे पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि यहां सीमा ने गुहार लगाई है कि उसे हिंदुस्तानी नागरिकता मिल जाए। क्या सीमा, क्या अंजू को वहां पर अब पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है, सवाल सबसे बड़ा यह है। क्या हो सकता है अंजू के साथ, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान से डिपोर्ट की जा सकती है, यानी वापस भी भेजी जा सकती है। एक महीना का वीजा है अंजू के पास, एक महीने के वीजे के बाद महीने भर बाद भारत भेजा जा सकता है। और इसी के साथ साथ वीजा अवधि बढ़ाई तो वहीं पर भी रह सकती है, पाकिस्तान उसका वीजा एक्सटेंड कर सकता है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है अंजू। और इसी के साथ सरकार अंजू को वहां नागरिकता दे सकती है, सवाल यह भी है। पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगी। इस्लाम कबूलने से एक नई पहचान संभव है अंजू के लिए, तो मैं ये भी आपको बता रही हूं कि ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है अंजू के लिए। मैं एक बार बताऊं कि पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं। और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान है, मैं उनका भी परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं।